हे गाइस व्हाट्सएप, आज वेलकम करता हूं मैं आप लोगों का फिर से एक बार ठाकुर सौरभ व्लॉग्स के एक और नए तड़कते भड़कते एपिसोड में, क्योंकि ये है गोवा में मेरा दूसरा दिन। एक्चुअली मैंने ये वीडियो दो पार्ट में बनाई है। पहला पार्ट आप लोगों को मिल जाएगा लिंक में, यहाँ कहीं भी पर ढूंढ लेना, मिल जाएगा ज़रूर। आप लोगों को मैं मेंशन कर दूंगा वीडियो को, तो वो ज़रूर देख लेना। पहले वो वीडियो देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना। तो इस वीडियो में आज मैं आया हूँ अलग होटल में, और ये रिजॉर्ट स्टाइल होटल है जहाँ पर है ग्रीनरी बहुत सारी। मेरे पीछे आप लोगों को दिख रही होगी ग्रीनरी, और यहाँ पर ज़बरदस्त लोकेशन है। क्यों बोल रहा हूँ ये चीज़ मैं, क्योंकि 5 मिनट की दूरी पर इस तरफ बीच है, बहुत ही मज़ा आने वाला है। समुद्र की लहरें मुझे इस तरीके से दिख रही है ना यार, एकदम बड़ी बड़ी। अच्छा, आफ्टर लॉकडाउन जो लाइफ है ना गोवा में, वो फिर से कहते हैं ना लाइफ कमिंग बैक टू द ट्रैक, तो वो चीज़ हो रही है धीरे धीरे। कल मैं रात को गोवा में घूमने गया था, बट गोवा एकदम डल, बिल्कुल डल। तो मेरे हिसाब से अभी आने का गोवा में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है आप लोगों को, और मैं बताऊंगा कि कब आना चाहिए गोवा में, कब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, कब चीज़ें पहले की तरह हो जाएगी, और रौनक जो है वो चारों तरफ गोवा में फिर से पहले जैसी हो जाएगी। तो यार यहाँ पर जो है ना, जो ये रिजॉर्ट है इतना प्यारा, इतनी ग्रीनरी, इसका एंट्रेंस कमाल का है, बीच बहुत पास, तो सब चीज़ें ज़बरदस्त होने वाली है। अभी आगे वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ मेरा रूम कैसा है। कमेंट में बताना रूम अच्छा लगा या बुरा लगा, पहली वाली वीडियो ज़रूर देखना और उसे कंपेयर करके बताना कि रूम अच्छा है, रिजॉर्ट अच्छा है या क्या है। बाकी पूरी वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाता हूँ सारी चीज़ें, टोटल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। आज मैं बीच पर भी जाने वाला हूँ, तो सारी वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ, सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊंगा मैं। सो दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ द रॉयल ऑर्चिड होटल, और चलते हैं अंदर, दिखाता हूँ और भी चीज़ें जो हैं बड़ी मज़ेदार है यार, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। एक्चुअल में ये ब्लॉग शूट करने के लिए भी मुझे इतना मज़ा आ रहा है ना, मैं बता नहीं सकता। गोवा में एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, और मेरा एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, और काफ़ी जो ये रिजॉर्ट है ना, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाया हुआ है, इतना डिज़ाइंड है। यहाँ पर फिश हैं छोटी छोटी, साथ में यहाँ पर लिखा भी हुआ, मेंशन भी किया हुआ है, मैं दिखाता हूँ आपको, मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, आप देख पा रहे होंगे शायद, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि फ़िश फीडिंग एट 9:30, डक फीडिंग एट 5:30। तो वो देखने में भी बड़ा मज़ा आएगा, अगर ओप्सो में रिकॉर्ड कर पाए तो ज़रूर रिकॉर्ड भी करूँगा। और अभी चलते हैं अंदर, होटल जो है रिजॉर्ट स्टाइल काफ़ी पसंद आया मुझे, सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर जो है ना काफ़ी अच्छा है। इवन आप चेक इन के टाइम पर बैठ के आराम से यहाँ पर चिल आउट कर सकते हैं, अगर वहाँ पर टाइम लग रहा है या कुछ है तो आराम से बैठो, चेक इन करो, मज़े लो। अब दिखाता हूँ पूल, यहाँ पे कुछ बेवरेजेस के लिए चीज़ें हैं, और यहाँ पर यार शराबियों तुम्हारे फेवरेट चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं, जो मिल जाने वाला है। एक छोटा सा बार होटल में, और बार के साथ में आता है यहाँ पे स्विमिंग पूल, जो कि दिखने वाला है अभी वीडियो में। मैं दिखाता हूँ पूल आप लोगों को, पूल ज़बरदस्त। लेकिन ड्यू टू COVID-19 वहाँ पर शायद आप लोगों को बोर्ड दिख रहा होगा, पूल क्लोज्ड, तो अभी बंद है, मैक्सिमम चीज़ें बंद है यहाँ पे। अभी गर्मी भी यार गोवा में इतनी ज़्यादा हो रही है, अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले ही बारिश हुई थी, लेकिन वो बारिश कब आई कब गई कुछ पता ही नहीं चला, और इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है यार कि मतलब बेहाल पसीने से। लेकिन जो ये ब्यूटी है ना, इस ब्यूटी को देख के सारी गर्मी भूल रहा हूँ मैं, बिल्कुल ही भूल रहा हूँ। और चीज़ें देखो यार कितनी प्यारी चीज़ें हैं, पेड़ पौधे फूल हर चीज़ एकदम परफेक्ट, और काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है। अभी आगे चलते चलते मैं आप लोगों को दिखाऊंगा मेरा रूम, मेरे रूम देखते हैं पसंद आता है नहीं आता है, बताना ज़रूर कमेंट में कि रूम कैसा है। और ये रहा यार पूल, पूल का पानी इतना क्लियर है ना, मैं दिखाता हूँ, ढंग से दिखाता हूँ आपको पूल अच्छे से। ये देखो पूरा पूल एकदम क्लियर, बहुत बढ़िया यार नज़ारा, तो ये नज़ारा जो है ना बड़ा ही प्यारा है। और ये सामने की तरफ ना, वहाँ पर पीछे आप लोग देख रहे हैं पीछे की तरफ, शायद वीडियो में नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मेरी जो आईज़ कैप्चर कर रही है ना चीज़ें, मैं बता नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बीच पे जाऊँगा शाम को, देखूँगा क्या चीज़ें होती हैं, अगर हुआ पा या अगर शाम को नहीं जा पाया ना मैं बीच पे, तो अभी चला जाऊँगा यार, देखता हूँ क्या करता हूँ। लेकिन धूप बहुत तेज़ है, बीच पे जाने में बैंड बजने वाली है। और यार मेरा रूम यहीं कहीं था एक्चुअल में, ये सब कुछ एक जैसा बना हुआ है ना, ये पीछे देख रहे हैं एक जैसा बना हुआ है, तो कंफ्यूज हूँ मेरा रूम कौन सा है। वैसे तो मेरा रूम नंबर 317 है, तो शायद वो यहाँ होना चाहिए, या फिर नेक्स्ट में, मेरे हिसाब से नेक्स्ट वाले में होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 412 और 414 आई थिंक, और 312 14, तो मेरे ख्याल से मेरा रूम यहाँ होगा। तो चलो देखते हैं रूम के अंदर
चल के रूम कैसा लगता है। रूम के लिए ये रहा मेरा कार्ड जो कि है देख पा रहे होंगे। अभी रूम के अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ रूम। होप सो कि मैं सही रूम में जा रहा हूँ। हाँ तो पहुँच गया हूँ मैं सही जगह। 317 दिख रहा होगा। अभी क्या करते हैं, लगाते हैं कार्ड और चलते हैं अंदर रूम के। ये लगा कार्ड, ये खुला दरवाज़ा और ये लगा देते हैं कार्ड को यहाँ ताकि आ जाए बत्ती और चल जाए फैन और एसी, क्योंकि गर्मी ने ना सच कह रहा हूँ बैंड बजा दी है। तो एंटर कर चुका हूँ मैं अपने रूम के अंदर। रूम जो है कुछ ऐसा है। यहाँ पे मुझे मिला है एक टेबल, एक चेयर। यहाँ बैठ के मैं अपने छोटे मोटे काम डेटा कॉपी वॉपी करने की कर लूँगा। यहाँ पे लगा हुआ एक लैंप। इस रूम में यार लाइटिंग कम है, 1, 2 और ये 3। ये ऊपर एक छोटू सा LED लगा हुआ है। बाकी क्या है ना कि बाहर के व्यू के लिए मेरे पास ये बैल्कनी टाइप दी हुई है। इसमें मिरर है और इसमें लिखा हुआ है कि भैया अपने शीशे को ना बंद ही रखे वरना मच्छर ना आतंक मचा देने वाले हैं, सोने नहीं देने वाले हैं बिल्कुल भी आपको रात में। यहाँ पर मुझे मिला है एक LED TV सोनी का। ये मिला है एक बेड जिस पे आज की रात गुजरेगी बड़े ही मज़े से। मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी। यहाँ पे लगा हुआ है AC, ऊपर पंखा चल रहा है। ये जो एरिया है ना, ये एरिया में आपको मिल जाएगा अपना लगेज रखने का स्पेस। यहाँ पर मैंने अपना लगेज भी रख दिया है। मेरा ज़्यादा लगेज तो है नहीं, एक सूटकेस है, एक बैग है जिसमें मेरे लैपटॉप्स एंड बाकी चीज़ें हैं जिनसे मैं ये वीडियोस वगैरह कैप्चर करने के लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे एक दिया हुआ है मिरर, शायद दिख रहा हो मिरर जिसमें मैं देख सकता हूँ अपने आपको। और यहाँ पर वॉशरूम, तो वॉशरूम नथिंग स्पेशल, सिंपल है लेकिन क्लीन है। आए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कुछ मत दो बट क्लीन रखो यार, क्लीन वॉशरूम बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे शावर के लिए, बाकी आप समझ गए सुबह सुबह भागना पड़ता है। तो दिखाता हूँ बैल्कनी। बैल्कनी में जो स्पेस है ना वो भी अच्छा है यार। सिटिंग अरेंजमेंट बैल्कनी में की गई है ताकि इवन आप बोर हो रहे हैं, चिल कर रहे हैं तो ग्रीनरी का मज़ा ले सके। तो आप दिखाता हूँ किस तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ पर रखे हुए हैं बैल्कनी के अंदर एंटर करते ही 2 चेयर और एक टेबल छोटा सा, जहाँ बैठ के आप यार गपशप मारो, एनवायरमेंट का मज़ा लो। एनवायरमेंट जो है ना, एम्बियंस जिसे कहते हैं प्रॉपर। यहाँ पे चिड़ियाँ ची 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 ची, मतलब पक्षियों बर्ड्स की आवाज़ आने वाली है, ग्रीनरी मिलने वाली है पूरी ज़बरदस्त तरीके से, सब कुछ मज़ा आने वाला है यार। ये देखो पूरी ग्रीनरी सॉलिड लेवल की है और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। बीच जो है उस तरफ है, मैं रिजॉर्ट में अभी शायद दिखाऊंगा आपको थोड़ी देर में। और अभी मैं कर रहा हूँ वीडियो को थोड़ी देर के लिए बंद बिकॉज बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। शायद देख पा रहे होंगे आप लोग कि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। तो मैं अभी अपने आपको क्लीन करके फिर सोचता हूँ कि मैं उस तरफ जा रहा हूँ और आगे आपको दिखाता हूँ। तो गाइज मैं निकल पड़ा हूँ बीच की तरफ अपने आप को थोड़ा क्लीन करके, थोड़ा सुखा के, थोड़ी सी AC की हवा लेके वापस से मैं आ गया हूँ इस नेचुरल एनवायरनमेंट में। अब जो धूप है वो थोड़ी कम हुई है, बार बार आ रही है और जा रही है। अब जो हवा है ना यार वो बड़ी प्यारी चल रही है, अब थोड़ा सुकून मिला है मुझे। तो चलो आगे चलते हैं बीच की तरफ और देखते हैं बीच कितना ब्यूटीफुल होने वाला है, कैसा लगता है। मुझे तो अभी से दिख रहा है बीच बहुत ही प्यारा लग रहा है यार। चलते चलते मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ। बीच यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मे भी शायद 2-4 मिनट में मैं बीच भी पहुँच जाऊँ। लेकिन ये क्या चीज़ है भाई, पीछे देख रहे हैं आप, दिख रहा है झाड़ियों के बीच में शावर बना रखा है। ठीक से दिखाता हूँ यार, ऐसी जगह कौन नहाता है भाई। ये देखना झाड़ियों के बीच में, मतलब एक गार्डन है, गार्डन के बीच में ये झाड़ी की दीवार से बना के और यहाँ पर शावर लगा दिया है और वॉश करने के लिए। यार मतलब कमाल है गोवा, यूनिक चीज़ देखने को मिली मुझे पहली बार मतलब। और ये यार बना रखा है कुछ क्यारी सी, छोटा सा पॉन्ड बना रखा है, मतलब अच्छा सा लुक दे रहा है ये। और वहाँ पर मुझे दिख रहा है एक फ़ोटो खिंचवाने के लिए फ़ोटो फ्रेम, बहुत बड़े बड़े, तो वहाँ पर खिंचवाऊँगा बहुत सारी फ़ोटो और बड़ा ही मज़ा आने वाला है। वहाँ पर लिखा भी है सेल्फ़ी पॉइंट, वहाँ पीछे मेंशन है सेल्फ़ी पॉइंट है ये, यहाँ पर सेल्फ़ीज़ वगैरह लेने वाला हूँ मैं। तो अभी ले लेते हैं सेल्फ़ी और उसके बाद आगे कंटिन्यू करता हूँ। लेकिन उससे पहले एक मिनट और, मुझे पीछे दिख रहा है बहुत बड़ा सा समुद्र, सी, शायद आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा सी, बहुत ही बड़ा, लहरें उसकी यार बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही हैं। तो पहले मैं सेल्फ़ी लेता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ आप लोगों को आगे का नज़ारा।
तो फाइनली मैं पहुंच चुका हूं बीच पे। थोड़ी देर चलने के बाद रिजॉर्ट से यार सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे पूरा का पूरा बीच है। शायद आवाज भी आ रही हो आप लोगों को पानी की। पूरा का पूरा बीच देखना है। पीछे देखो अमेजिंग सी लेवल जो है बहुत ऊपर तक आया हुआ है। लहरें इतनी तेज है कि उसकी आवाज़ कानों तक आ रही है। मे भी शायद माइक में भी आवाज़ पहुंच रही हो और रिकॉर्ड हो रहा हो आवाज़। नज़ारा यार इतना ब्यूटीफुल है। मैं फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ऐसी चीज़ का। और ये मैं बता नहीं सकता इन वर्ड्स की मैं कितना ज़्यादा हैप्पी हूँ, इतना एक्साइटेड हूँ। ये पानी ना यार एकदम ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है मुझे ये नज़ारा। और पानी के साथ साथ ना समुद्र के उस कोने पे, सी के उस कोने पे ना जो सूरज की रोशनी पड़ रही है उससे एक चमकदार सी ना लाइन बन रही है यार। वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में। और इवन बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है मेरा। काफ़ी सारे कौवे हैं यहाँ पर भाई ऊपर बहुत ज़्यादा। कुछ एक तो बेचारा वहाँ पे नहा रहा है पानी के अंदर डुबकी लगा लगा के। ये भी शायद किसी रिवर का पानी है जो समुद्र के अंदर जा रहा है घूम फिर के। और यार यहाँ बीच पे इंसानों के साथ साथ ये भी मज़े ले रहे हैं। ये लोग भी हॉलीडे पे आए हैं बट ये परमानेंट रेजिडेंट है गोवा के ही। हेलो। ना 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 काटना नहीं, काटना अलाउड नहीं है एक्चुअली। अनजान जानवरों से पंगा लेना भी बेकार है, कभी काट ले तो मुसीबत पड़ जाए। तो यार मैं बात कर रहा था ना इस ब्यूटीफुल नज़ारे की। पीछे देखो यार कितना ज़बरदस्त है, बहुत मज़ा आ रहा है इसे देख के। मेरा मन कर रहा है मैं आगे तक जाऊँ बट मैंने शूज़ पहने हुए हैं। आप होप सो कि यार शूज़ वगैरह में मिट्टी या पानी चला जाएगा। मुझे यहाँ पर शायद स्लीपर्स में आना चाहिए था या फिर नंगे पाँव, बिकॉज होटल के अंदर से ये दूर नहीं है बिल्कुल भी। अब देखते हैं आगे जाने की कोशिश करता हूँ मैं और दिखाता हूँ पास से। पानी की लहर चेक करो यार, बड़ी सॉलिड बह रही है यहाँ पे भी। इसको पार करना होगा शायद मुझे जंप करके, तो मैं थोड़ा सा रन करके जंप करके देखता हूँ। होप सो कि मैं पार कर पाऊँ इसको। चलो। और मैंने पार कर लिया दौड़ के कूद के। बड़ा ही ज़बरदस्त मज़ा आया यार। यार नज़ारा जो है ना बीच का वो एकदम अद्भुत है। पानी जो है ना यार बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही है पानी की, मतलब लहरें इतनी ज़्यादा तेज़ हैं कि इनमें अगर कोई गया ना बंदा, शायद जिसको स्विमिंग आती होगी वो भी नहीं बच पाएगा। ये लहरें उसे लपेट के पता नहीं कहाँ ले जाएंगी और कहाँ फेंकेंगी। देखो मतलब हद से ज़्यादा ऊंची लहरें यार, बहुत तेज़ आवाज़। मुझे तो डर भी लग रहा है, मैं पास जा तो रहा हूँ बट देखते हैं क्या होता है। मैं पास से दिखाता हूँ ना आप लोगों को समुंदर, मैं भी पास से देख लेता हूँ बिकॉज मैंने कभी समुंदर देखा नहीं, आज पहली बार देख रहा हूँ तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। होप सो आप लोगों को भी उतना ही अच्छा लगेगा। गाइज यहाँ मैं थोड़ा आगे पहुँच चुका हूँ यार। सूरज की जो रोशनी है ना यहाँ पर एकदम मेरे फेस पे आ रही है डायरेक्ट सनलाइट, और उसका रिफ्लेक्शन जो है ना पानी की वजह से और भी ज़्यादा तेज मेरे फेस पे पड़ रहा है। दिखाता हूँ, देखो पीछे शायद कैमरा भी फोकस नहीं कर पा रहा होगा। वो जो पानी है, वह पानी का जो रिफ्लेक्शन है ना यार, सन का रिफ्लेक्शन पानी पे होकर सीधा फेस पे पड़ रहा है। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, पता नहीं वीडियो सही बन रही है नहीं बन रही है, बस बनाए जा रहा हूँ। तो मेरे ख्याल से ना मैंने एक गलती की है यहाँ पर, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैं ऐसे आ गया हूँ बीच पे और ये जीन्स में और शूज़ में तो पॉसिबल है नहीं। तो मैं एक बार दोबारा से जाता हूँ होटल के अंदर, चेंज करता हूँ अपने आउटफिट को, डाल के आता हूँ शॉर्ट्स और शायद नंगे पाँव में आ जाता हूँ भाग के। उसके बाद आगे की वीडियो दिखाता हूँ, करेंगे मस्ती पानी के साथ, थोड़ी पास जाके देखूंगा कि कैसा है। बाकी यार इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखो और यार वीडियो को लाइक कर दो यार, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी दिखाओ कि गोवा कितनी ब्यूटीफुल जगह है और आपको भी ज़रूर घूमने आना चाहिए। लेकिन आपको आना होगा, अभी आज है 4th September 2020, तो आप लोग यार नेक्स्ट मंथ अक्टूबर में या नवंबर में यहाँ आएंगे तो आप लोगों को पूरी तरह से गोवा ओपन मिलेगा। बिकॉज क्या है, अभी रिस्ट्रिक्शन COVID-19 की वजह से इतनी ज़्यादा हैं कि काफ़ी चीज़ें ओपन नहीं हुई। धीरे धीरे गोवा वापस अपने ट्रैक पे आ रहा है, तो यार अक्टूबर नवंबर का मंथ जो है वो बेस्ट रहने वाला है। बिकॉज मैंने काफ़ी सारे रेस्टोरेंट ऑनर से भी यहाँ पर बात की है और होटल्स में जो रिसेप्शन पे लोग होते हैं उनके ऑनर से भी बात की है, उनसे ये डिटेल ली है कि सर कब आना बेटर होगा, When Goa will become normal, जैसे पहले वो था। तो वो रौनक आने में अभी 2-3 महीने लगने हैं, तो 2-3 महीने बाद की टिकट कराओ, आराम से गोवा आओ, चिल करो, इतने दिन लॉकडाउन में बंद रहे हैं। हाँ मास्क यहाँ पर कंपलसरी है बट एक्चुअली अपना मास्क में अभी भूल के आ गए, बीच पे ऐसे ज़्यादा लोग नहीं हैं, गोवा मोस्टली ओपन ही है। I'm
तो गाइज मैं फाइनली पहुंच चुका हूं समुद्र की लहरों के बहुत ही ज्यादा करीब, और इतना करीब कि पानी जो है ना मेरे पैरों को टच करके वापस जा रहा है। और लहरें देख सकते हैं यार, कितनी ज्यादा तेज लहरें हैं, मतलब इवन बिलीव नहीं कर पा रहा बिकॉज इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस इन गोवा कि मैं एक समुद्र के बाहर खड़ा हूँ। अभी भी अनबिलीवेबल सा फील हो रहा है, लेकिन ये नज़ारा फुल पैसा वसूल नज़ारा है यार, जो पैसे थे सारे वसूल हो गए। और मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर ना यार एक शिप है जिसमें मछली पकड़ने के लिए आए हुए हैं लोग, अपना जाल वाल लेके एकदम जबरदस्त तरीके से मछलियाँ निकाल के लाए, और तुरंत यहाँ पर खड़े लोगों ने इन मछलियों को परचेज करना चालू कर दिया, मछलियों को चुन रहे हैं, परचेज कर रहे हैं और लेके जा रहे हैं। तो समुद्र के पास यार फिश एकदम मतलब इजीली अवेलेबल हो रहा है, लोगों को घर लेके जा रहे हैं, और बड़ा ही मजा आ रहा है। एनवायरमेंट जो है बहुत कूल है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है, धूप और गर्मी का नामो निशान नहीं रहा। यार मैं थोड़ा पानी को टच करना चाहता हूँ, मैं कर लेता हूँ पानी को थोड़ा सा टच, और देखा मजा आ रहा है यार ये पानी, इवन देखो समुद्र का पानी, मजा आ गया यार, पैसा वसूल ट्रिप। आई एम सो सॉरी अगर मुझसे कोई गलती होती है तो, लेकिन वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और पहला पार्ट जरूर देखना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज।